आदि मन के चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी हेल्दी कम ऑयली नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप सिर्फ 2 चम्मच तेल में पूरी फैमिली के लिए नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। इतना टेस्टी लगता है खाने में कि अगर आपने एक बार बना लिया तो बच्चे बड़े सब आपसे बार बार बनाने की जिद करेंगे। सुबह शाम नाश्ते में, बच्चों के टिफिन में, या जब भी आपको कुछ लाइट वेट नाश्ता खाने का मन हो उस टाइम पर आप इसे बनाएं। बनाना भी बहुत आसान है। रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सूजी आलू के बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी रोल्स। सूजी आलू रोल बनाने के लिए मेजरिंग कप से 1 कप मैंने लिया है रवा, जिसे कि सूजी भी कहते हैं, और ये नाश्ता बनाने के लिए आप मोटी या पतली कोई भी सूजी का यूज कर सकते हैं। अभी मैंने लिया है जार, तो इसमें हम डाल देंगे सूजी को। 1/4 कप दही डाल रही हूँ मैं। 1 कप सूजी के साथ में आपको 1/4 कप दही डालना है। मेजरिंग कप से 1/2 कप पानी डालेंगे। इसका हमें एक बैटर तैयार करना है। 1 कप सूजी के साथ में अभी मैंने इसमें 1/2 कप पानी ही डाला है। अब ये मैंने लिया है बाउल, तो इसमें हम ये जो हमने सूजी को पीस के इसका बैटर तैयार किया उसे बाउल में निकाल देंगे। और ये नाश्ता बनाने के लिए बैटर मुझे बहुत ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो इसमें 1/2 कप पानी में और डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम अभी स्टफिंग में भी डालने वाले हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अच्छे से मिक्स करेंगे बैटर के साथ में। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च और धनिया को भी एकदम फाइन चॉप करके डाल सकते हैं। नमक को भी हमने बैटर के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, ये नाश्ता बनाने के लिए इस तरीके का बैटर आपको बना के तैयार करना है। टोटल मैंने इसमें 1 कप पानी यूज़ किया है। 1 कप सूजी के साथ में आपको 1 कप पानी लेना है। ये देखिए, ऐसा बैटर होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। और आज हम ये नाश्ता सूजी से बना रहे हैं, और सूजी हमारी फूलती है, तो 20 मिनट के लिए इसे कवर करके रेस्ट पर रखेंगे। और बैटर हमारा जब तक रेस्ट पर है तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैं डाल रही हूँ पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल। बहुत ही कम ऑयल में आज हम इस नाश्ते को बनाएंगे। 1/2 चम्मच राई डालेंगे। 1/2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सौंफ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे स्टफिंग में। 2 मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। 1 सेकंड के लिए भून लेंगे सभी चीज़ों को। और अगर आप ये नाश्ता बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। अब ये मैंने ली है 5 कड़ी लीव्स, एकदम फाइन चॉप करके लिया है। 1 मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, एकदम फाइन चॉप करके लिया है। हल्का सॉफ्ट होने तक प्याज को भी हमें भूनना है। प्याज को भी हमने हल्का सॉफ्ट होने तक भून लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, और मसाले ऐड करते समय गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नाश्ते को टेस्टी चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच चाट मसाला। आप इसकी जगह पर गरम मसाला या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे। हमने चाट मसाला डाला है और चाट मसाले में भी नमक होता है। 1 सेकंड के लिए भून लेंगे मसालों को, जिससे कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। मसालों को भी हमने 1 सेकंड के लिए भून लिया है। अब ये मैंने लिए हैं 3 बॉईल किए हुए आलू, अच्छे से मैश कर लिया है। और अगर आप चाहें तो आलूओं को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे सभी मसाले और आलू को। आप इसमें चाहें तो अपनी पसंद की कोई सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हरी मटर, गाजर, शिमला मिर्च, जो आप खाना चाहते हैं। सभी मसाले और आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। स्टफिंग हमारी एकदम तैयार है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकाल देंगे, और एकदम ठंडी होने के बाद ही स्टफिंग से नाश्ता बनाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं, तो एक बार वापस से बैटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये नाश्ता बनाने के लिए बैटर हमारा एकदम तैयार है, तो चलिए चलते हैं अगली प्रोसेस की तरफ। गैस पे मैंने रखा है नॉनस्टिक तवा, तो इसे ऑयल से ग्रीस कर देंगे। एकदम हल्के ऑयल से ही आपको इसे ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है। तवे को हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें से हम 1 बड़े चम्मच भर के बैटर लेंगे, और एकदम हल्के हाथों से आपको फैलाना है। गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है। एक साइड से इसे अच्छे से सिकने देंगे। जब ऊपर साइड से अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे पलटाएंगे, और गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है।
और ये देखिए शीट हमारी ऊपर तरफ से एकदम ड्राई हो चुकी है। शीट में ऊपर साइड से हल्का ऑयल से ग्रीस कर देंगे। शीट को अब हम पलटा देंगे, एकदम ध्यान से ही आपको इसे पलटाना है। और दूसरे साइड से भी सिकने देंगे। दूसरे साइड से भी शीट को हमने एक मिनट के लिए सेक लिया है और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से सिक चुकी है। निकाल लेंगे, ये देखिए एकदम पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए निकाल लेंगे इसे। एक और शीट में आपको बना के दिखा रही हूँ। तवे पे हमने वापस से ऑयल ग्रीस नहीं किया है। एक चम्मच बैटर लेंगे और अच्छे से आपको फैला देना है। और तवा आपका अगर ज़्यादा गर्म है तो आप एक मिनट के लिए गैस को बंद कर दें, उसके बाद ही दूसरी शीट बनाएं। एक साइड से हल्का ड्राई होने तक इसे हमें सेकना है। शीट हमारी ऊपर से एकदम ड्राई हो चुकी है, हल्का ऑयल ग्रीस कर देंगे, पलटा देंगे शीट को और दूसरे साइड से भी एक मिनट के लिए ऐसे ही सिकने देंगे। दूसरे साइड से भी शीट हमारी अच्छे से सिक चुकी है, निकाल लेंगे शीट को और ऐसे ही अब हम 3 से 4 शीट पहले बना के तैयार कर लेंगे। 3 से 4 शीट हमने बना के तैयार कर ली है, ये देखिए लग रही है ना कितनी बढ़िया। और एक कप सूजी से कम 7 से 8 शीट बना के तैयार कर सकते हैं। स्टफिंग भी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तब इसमें से हम लेंगे थोड़ा थोड़ा पोर्शन और इसका हमें रोल बना के तैयार करना है। सिलेंडर शेप में रोल बनाएंगे हम। लग रहा है ना कितने बढ़िया रोल, रख देंगे और एक साइज के सभी रोल्स बना के तैयार कर लेंगे। पहले सिलेंडर शेप देना है हमें, ऐसे ही सभी रोल्स को पहले बना लेंगे। स्टफिंग में से सभी रोल्स हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब ये हमने लिया एक शीट, उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ टोमेटो सॉस। आप इसकी जगह पे हरी चटनी या फिर सेजवान सॉस जो आपको पसंद हो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ये स्टफिंग वाला रोल रख देंगे इस तरीके से, और आपको एकदम हल्के हाथों से इसे रोल करना है और इस तरीके से लास्ट कॉर्नर तक मिला देंगे। और इसे कवर करने के लिए हमें पानी कुछ भी नहीं लगाना है, ये इजीली ऐसे ही कवर हो जाएगा। जिस पार्ट को हमने चिपकाया है उसे नीचे ही रखेंगे। देखिए ऐसे ही सभी रोल बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी चटपटे रोल्स हमने बना के तैयार कर लिए हैं, तब अपने नाश्ते को हम सर्व करेंगे। सूजी और आलू का बहुत ही टेस्टी चटपटा हेल्दी नाश्ता सिर्फ 2 चम्मच तेल में बन के तैयार हो जाता है और इतना टेस्टी लगता है खाने में कि अगर आपने एक बार बना लिया तो आप डोसा खाना भूल जाएंगे और हमेशा इसे ही बना के खाएंगे। झटपट बन के तैयार हो जाने वाला नाश्ता है। आप इसे सुबह शाम नाश्ते में, बच्चों के टिफ़िन में या फिर घर पे जब भी आपके कोई मेहमान आए उस टाइम पे भी आप इसे बना के सर्व कर सकते हैं। बनाना भी बहुत आसान है। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।